अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। जैसे कि व्यूवर्स, अक्सर बकरा ईद पर ऐसा होता है कि हम टेंशन में आ जाते हैं कि यार ईद पर मजेदार खाने खा खा कर हमारा जो वजन है वो ना बढ़ जाए, हम मोटे ना हो जाएं। हेल्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अक्सर ईद पर स्पाइसी खाने खा खा कर बदहजमी, मतली, गैस हो जाती है। तो इस ईद पर आप लोग अपने आप को किसी भी चीज से महरूम ना रखिएगा, बल्कि हर चीज से लुत्फ उठाइएगा। बस आपको करना क्या है, आपने ये वाला सैलड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। रेसिपी बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन में हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल है। बहुत ज्यादा नहीं ऑयल ऐड करना। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 कप के बराबर हमारे पास बॉइल्ड चने हैं। इनको हम पहले सारी रात के लिए भिगो के रख दिया हुआ था, फिर हमने इसको उबाल लिया हुआ था। इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम ये 1/4 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। बाकी स्पाइसेस भी इसमें जाएंगे, लेकिन अभी इसमें हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। इनको यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सौते कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हुए हैं, इन चनों को सौते करते हुए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। एक बॉल ले लेंगे यहाँ पर, इसमें हम ऐड करेंगे ये चने। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके हुए, मतलब ये ठंडे हो चुके हुए हैं, बॉल में ऐड करेंगे। चनों को ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर बारीक कट किए हुए प्याज ऐड करेंगे। 1/2 कप के बराबर ही ये हमारे पास खीरे हैं, इनका आपने छिलका नहीं रिमूव करना, इनको भी आपने बारीक कटिंग में कट कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ये हमारे पास बारीक कट किए हुए टमाटर है, सीड्स जिसके हमने रिमूव कर लिए हुए हैं, और ये हमारे पास आ जाता है 2 टेबलस्पून के करीब धनिया है। इन सारी चीजों को पहले मैंने वॉश किया, फिर इसकी कटिंग की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ये हमारे पास जीरे का पाउडर है, 1/4 टीस्पून काला नमक, और 1/4 टीस्पून ही जाएगा इसमें चाट मसाला। साथ जो है स्पाइसेस अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर लीजिएगा। ये हमारे पास यहाँ पर 2 अदद लीमू हैं, इनका हमने जूस निकाल लेना है। सारी चीजें जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुपर हाई प्रोटीन सैलड जो है वो बनके हो चुका हुआ है तैयार। अगर आप लोग ईद पर ओवर कुक कर लें तो आप लोग इस सैलड को खाएंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं बनेगा, ना बदहजमी होगी। तो जरूर बकरा ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इस तरह की रेसिपी से फायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।